हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त राहुल सूद। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वेबसाइट का शॉर्टकट डेस्कटॉप पर कैसे बना सकते हैं। आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने मनपसंद वेबसाइट का शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं। आपने अक्सर किसी फाइल या फोल्डर के शॉर्टकट को डेस्कटॉप पर बनाया होगा, लेकिन मैं आज आपको आपकी मनपसंद वेबसाइट का शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पर बनाने का तरीका बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इससे आप केवल अपने डेस्कटॉप पर बने शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके बिना ब्राउजर में साइट का नाम डालते ही उसको ओपन कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। जैसे कि मान लीजिए आपको यूट्यूब ओपन करना है, तो आप पहले गूगल क्रोम पर जाएंगे, फिर यहां पर आपको यूट्यूब भरना पड़ेगा। आप सर्च करेंगे, क्यों ना आप डायरेक्ट यूट्यूब का एक शॉर्टकट वेबसाइट पर अपने डेस्कटॉप पर बना दें उनका शॉर्टकट। तो ये आज मैं आपको सिखाऊंगा, आज मैं आपको गूगल का बनाना सिखाता हूं। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है माउस से, और यहां पर न्यू जो है वहां पर क्लिक करना है। न्यू क्लिक करने के बाद यहां पर सेकंड ऑप्शन आएगा शॉर्टकट, आपको यहां पर क्लिक करना है। टाइप द लोकेशन ऑफ द आइटम, जैसे कि मान लीजिए आपने गूगल का बनाना है यूट्यूब का, तो वो आप साइट ओपन कर लीजिए। उसके बाद जो उसका ऊपर का यूआरएल है, जैसे www.google.com, यहां पर आपको क्लिक करना है। इसको आपने फ्रेंड्स कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहां पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद तीन ऑप्शन आ रहे हैं, ब्राउज, नेक्स्ट, कैंसिल, आपको यहां पर नेक्स्ट करना है। उसके बाद टाइप ए नेम ऑफ दिस शॉर्टकट, जैसे कि मान लीजिए आप गूगल का बना रहे हो, तो यहां पर आपको लिखना है गूगल। अगर आप यूट्यूब का बनाएंगे तो आपको यहां पर यूट्यूब डालना है फ्रेंड। उसके बाद आपको ये फिनिश करना है। ये देखिए फ्रेंड, ये बन गया है गूगल का। अब मैं आपको इसकी शॉर्टकट की बनानी सिखाता हूँ, कि डायरेक्ट आप शॉर्टकट की आप यहाँ से आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करके आप डायरेक्ट इसे ओपन कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, इसकी राइट पे जाके इसकी प्रॉपर्टी पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ये एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर वेब डॉक्यूमेंट होगा और शॉर्टकट की, इसका सेकंड ऑप्शन शॉर्टकट की, आपको यहाँ पर माउस क्लिक करना है। जैसे आपने गूगल का बनाना है तो आपने सिर्फ जी प्रेस करना है। आप कीबोर्ड में कोई भी बटन प्रेस कीजिए, जैसे मैंने गूगल का बनाना है तो मैं जी प्रेस करूंगा। तो ये इसकी शॉर्टकट की आ गई, कंट्रोल ऑल्ट और जी। अगर आपने यूट्यूब का बनाना है तो आप वाई प्रेस कर सकती हो, तो ये देखिए वाई आ जाएगा। तो फ्रेंड आपको जिसका भी बनाना है, जैसे फेसबुक का, तो आप यहाँ पर एफ प्रेस कर सकते हो। मैंने गूगल का बनाना है तो मैं यहाँ पर जी प्रेस करूंगा, तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जी आ जाएगी। उसके बाद ये अप्लाई और उसको आप ओके कर दें। अब फ्रेंड्स आप बिना ही मतलब के बिना सर्च किए आप डायरेक्ट ही गूगल क्रोम में एंटर हो चुके हैं, और आप यहां पर कुछ भी सर्च कर सकते हो। फ्रेंड इसका बहुत ही बेनिफिट है, आप अपनी कोई भी यानी कि मतलब के आप वेबसाइट का शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पर बना सकते हैं, और बिना टाइम गिवाए आप डायरेक्ट ही उसे बिना ब्राउजर के ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको हमारे चैनल की कैसी लगी? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।